एक ऐसा ब्रांड जो आज सभी की जुबान पर अटा हुआ है। कैसे कदम रखा इस ब्रांड ने मॉडर्न फैशन मार्केट में। एक स्टोर कीपर ने कैसे रखी दुनिया के सबसे लग्जरी फैशन ब्रांड की नींव। कैसे शुरुआत हुई इस लग्जरी ब्रांड की और कौन है इसके नायक, आइए सब जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में आज फैशन कंपनियां तो बहुत है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा नाम ऐसे हैं जो भाई हर जुबान पर रटे हुए हैं। और आज हम जिस फैशन कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी एक ऐसा ही नाम है। ये कंपनी वो है जिसे फास्ट फैशन के रूप में जाना जाता है। एक कंपनी जो आज ग्लोबल फैशन पावर हाउस के नाम से मशहूर है। वेल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम बात कर रहे हैं ज़ारा कंपनी की। जी हाँ, वही ज़ारा जिसके क्लोथ्स के आज महिला, पुरुष, औरत और बच्चे भी दीवाने हैं। आज फैशन की दुनिया में ज़ारा एक जाना माना लग्जरी ब्रांड है। वेल, ये कंपनी आज कितनी पॉपुलर है इसका तो कोई जवाब ही नहीं, लेकिन इतनी पॉपुलर बनने तक का सफर सुनने में आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो आइए सफर को शुरू करते हैं इस कहानी के मेन हीरो से। दोस्तों, कहते हैं ना, देखने के लिए आंखें तो सबके पास होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करने की एक बेहतरीन कला कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। ऐसे ही चुनिंदा लोग दुनिया में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि भाई साहब दुनिया में तहलका मचा देते हैं। और ऐसा ही तहलका मचाया है MNCO ओर्टेगा ने, जिन्होंने ज़ारा कंपनी की शुरुआत की। आज उन्होंने इस कंपनी को ऊंचे मुकाम तक तो पहुंचा दिया, लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो कंपनी के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी चर्चा MNCO ओर्टेगा के बारे में हो जाए। 28 मार्च 1936 को स्पेन में जन्मे MNCO बचपन से ही ऊंची सोच रखते थे, लेकिन उनकी ऊंची सोच के आड़े घर की आर्थिक स्थिति तंगी आई, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। MNCO ओर्टेगा के फादर रेलवे में मजदूरी का काम करते थे। वो अपने चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे, पढ़ाई के लिए स्कूल भी गए, लेकिन घर की आर्थिक तंगी की वजह से हालात कुछ ऐसे बने कि 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपना स्ट्रगल भरा सफर शुरू किया। ओर्टेगा जब जॉब की तलाश में निकले तो उन्हें स्पेन के गाला में एक शर्ट बनाने वाली कंपनी में हेल्पर की नौकरी मिल गई। ओर्टेगा मेहनती थे और उन्होंने अपना काम बखूबी किया। कपड़ों की फैक्ट्री में काम करते हुए उन्हें इस काम से अच्छा खासा लगाव हो गया। इस दौरान उन्होंने कपड़ों के कारोबार से जुड़ी बारीकियों को सीखा, समझा। धीरे धीरे उन्होंने कस्टमर्स के साथ डील करना भी शुरू किया और आगे चलकर उन्हें स्टोर कीपिंग की जिम्मेदारी दे दी गई। और यहीं से ओर्टेगा के मन में कपड़ों के कारोबार की इच्छा जागने लगी। ओर्टेगा जब भी फ्री होते थे तो अपने खुद के डिजाइन तैयार करते थे और इसमें वो काफी सस्ते और बचे हुए मटेरियल का यूज करते थे। और ऐसे वो नाइट गाउन्स जैसे क्लोथ्स तैयार करके उन्हें रिटेल स्टोर पर बेच दिया करते थे। ऐसा करते करते वो समय भी आ गया जब इन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है। इसके लिए उन्होंने कई सालों से इकट्ठे किए हुए पैसे से 1963 में कन्फेशंस गोवा नाम की कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार किए गए वो कपड़े बेचती थी जो नहाने के बाद पहने जाते हैं, यानी क्विल्टेड बाथरोब्स। इस तरह धीरे धीरे ओर्टेगा ने अपनी सर्विस को लगभग पूरे स्पेन में फैला दिया, लेकिन अब तक वो केवल रिटेल स्टोर के सप्लायर थे। असल में वो अपनी कंपनी को बढ़ावा देने में, कह सकते हैं, शुरू करने में कतरा रहे थे। और इसकी वजह फ्रांसिस्को फ्रैंको थे, क्योंकि उस समय स्पेन फ्रांसिस्को फ्रैंको के डिक्टेटरशिप में था, जिसके चलते वहां का बहुत स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता था। यही वजह थी कि उनके वर्क फोर्स पर बहुत ही कम महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी। ऐसी बहुत सी दिक्कतें ओर्टेगा को देखनी पड़ी, लेकिन फिर इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया साल 1975, जिसने ओर्टेगा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और ओर्टेगा अपनी कंपनी को जीरो से हीरो बनाने के सफर पर निकल पड़े। पर आखिर क्या हुआ था साल 1975 को, इसे जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और पेज को फॉलो भी कर दीजिए। असल में साल 1975 में फ्रांसिस्को फ्रैंको की डेथ हो गई और उनके साथ ही उनके डिक्टेटरशिप का भी अंत हो गया। और फिर क्या था दोस्तों, साल 1975 में कई सारे सोशल और इकोनॉमिक डोर ओपन हुए और इसका फायदा MNCO ओर्टेगा ने काफी अच्छे से उठाया और उन्होंने देरी ना करते हुए अपनी वाइफ रोजालिया मेरा के साथ मिलकर ज़ारा कंपनी की नींव रखी। MNCO ओर्टेगा ने स्पेन के ला कॉर्नुआ में अपना पहला शोरूम खोला और उसका नाम रखा गया ज़ारा। यहां से शुरुआत हुई एक ऐसे लग्जरी ब्रांड के जिसने आज दुनिया भर में तहलका मचा दिया और इसकी पॉपुलैरिटी आज दुनिया भर में है। वेल, ज़ारा की टाइमिंग तो बेस्ट थी, साथ में ओर्टेगा के कमाल के टैलेंट ने भी भाई साहब बवाल ही कर दिया और इस तरह ज़ारा ब्रांड की बेहतरीन स्टार्टिंग हुई। अब वैसे अक्सर आपने देखा होगा बहुत से रिटेलर अपने ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए सीजनल मॉडल का यूज करते हैं और सीजन खत्म होने के बाद बचे हुए सामान को स्पेशल ऑफर के साथ बेचते हैं, लेकिन ज़ारा ने ऐसा नहीं किया। ज़ारा कंपनी हर साल नए नए डिजाइन लाने में कामयाब होती रही और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते थे, जिसके चलते उन्हें सस्ते ऑफर्स में अपने प्रोडक्ट्स नहीं निकालने पड़ते थे। और ज़ारा की लिमिटेड टाइम ओनली की ये जो स्ट्रेटेजी थी उसने मार्केट में धमाल ही मचा दिया, क्योंकि ज़ारा के कस्टमर्स ने जल्दी ही अपनी फेवरेट डिजाइन खत्म होने से पहले उसे खरीदना शुरू कर दिया। करीब 10 साल के बाद MNCO ओर्टेगा और उनकी वाइफ दोनों
दोनों अलग हो गए, लेकिन वो कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बनी रही। वहीं ज़ारा दिन ब दिन अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में कामयाब होती रही। ज़ारा का मॉडल, जिसको अब फास्ट फैशन भी कहा जाता है, वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा हिट हुआ। आगे चलकर ज़ारा को और एक्सपेंड किया गया। साल था 1985 का, जब ओर्टेगा ने ज़ारा को इंडिटेक्स नाम की एक होल्डिंग कंपनी में शामिल किया। आपको बता दे कि इंडिटेक्स में ओर्टेगा की 59% की हिस्सेदारी है, जो आज के समय में देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी कपड़ों की रिटेल कंपनी के रूप में मशहूर है। इंडिगेट्स के पास ज़ारा के साथ साथ कई फैशन ब्रांड्स का एक पोर्टफोलियो है, जो दुनिया के सबसे पॉपुलर और सक्सेस फैशन ब्रांड्स में से एक है। दोस्तों, एक छोटी सी शुरुआत से ओर्टेगा ने कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, ये वाकई कोई आम बात नहीं। ये वही शख्स है जो किसी समय पर घर की आर्थिक तंगी की वजह से 14 साल की उम्र में अपने स्कूल को छोड़ चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, व्यक्ति में कुछ हासिल करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने का हौसला होना चाहिए। अगर मेहनत और लगन से कुछ काम को किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है, और इसका जीता जागता उदाहरण ओर्टेगा है, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने नाम का परचम लहरा दिया। चलिए अब जानते हैं ज़ारा ने इंटरनेशनल मार्केट में कैसे धूम मचाई, कैसे शुरू किया कपड़ों के डिजाइनिंग में एक्सपेरिमेंट, और क्वालिटी की वजह से ज़ारा धीरे धीरे लोगों की पहली पसंद बनने लगा। यहाँ एक बात गौर करने वाली है दोस्तों, कि भले ही ओर्टेगा और उनकी पत्नी दोनों अलग हो गए, लेकिन अपनी कंपनी आगे ले जाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी जान लगाकर उन्होंने अपने ब्रांड का दूसरे देशों में विस्तार करना शुरू किया। साल था 1985 का, जब इंटरनेशनल मार्केट में उतरने के लिए ज़ारा ने अपना पहला कदम बढ़ाया। ज़ारा का पहला इंटरनेशनल स्टोर पुर्तगाल में ओपन किया। अब दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, जब ज़ारा की शुरुआत इतनी अच्छी हुई तो ये थोड़ा बहुत में कहाँ रुकने वाली है। और जब ज़ारा के पिछले इंटरनेशनल स्टोर से काफी अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तब 1989 में ज़ारा ने इंटरनेशनल मार्केट में दूसरा कदम बढ़ाने का फैसला किया, और इस तरह उन्होंने अपना दूसरा स्टोर न्यूयॉर्क में खोला। इस तरह धीरे धीरे पेरिस, फ्रांस, मैक्सिको, ग्रीस, बेल्जियम, स्वीडन, माल्टा और नॉर्वे जैसे बड़े देशों में ये कंपनी फैलती गई। आगे चलकर ओर्टेगा ने पोलैंड बियर नाम से ब्रांड शुरू किया। इस तरह साल 2000 तक आते आते ओर्टेगा ने बेर्श्का नाम का ब्रांड भी शुरू किया। इस तरह ज़ारा लगातार पॉपुलर होता चला गया, और इसकी पॉपुलर होने की वजह इसके डिजाइन है। जी हाँ, बिल्कुल जानकर हैरान हो जाएंगे कि ज़ारा हर साल लगभग 15,000 से 18,000 तक डिजाइन लेकर आता है। ये कोई मामूली बात कहाँ है दोस्तों। आपको बता दे कि आज ज़ारा दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फैशन रिटेलर है। वहीं बात करें रेवेन्यू की, तो आज इस कंपनी का रेवेन्यू वर्ल्ड वाइड 11 बिलियन $ है, यानी इंडियन रुपीज में लगभग 9,000 करोड़ रुपए। खैर चलिए, आपको ज़ारा से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। आप जानते हैं, आज दुनिया भर में मशहूर ज़ारा कंपनी का नाम ओर्टेगा ने कभी नहीं सोचा था, बल्कि वो तो अपनी कंपनी का नाम कुछ और ही रखना चाहता था। एक रिपोर्ट के अनुसार ओर्टेगा के लिए ज़ारा नाम पहली पसंद नहीं था, वो तो अपने ब्रांड का नाम जोरबा रखना चाहते थे। असल में ओर्टेगा ने एक फिल्म देखी जिसका नाम था जोरबा द ग्रीक, और इस फिल्म से ओर्टेगा इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये नाम पानी ब्रांड के लिए चुन लिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टोर शुरू करने की शुरुआत की, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पास में जोरबा नाम से ही एक बार खुला हुआ था, जिसके बाद उन्होंने काफी सोच विचार करके अपने स्टोर को ज़ारा नाम दे दिया, जो आज दुनिया भर में मशहूर है। एक बाथ रॉब्स प्रोडक्ट से शुरू हुई कंपनी के आज क्लॉथ्स, एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और परफ्यूम्स, सभी प्रोडक्ट्स खूब मशहूर है। आज ज़ारा कंपनी दुनिया भर में 2000 से ज्यादा स्टोर्स के साथ 100 से ज्यादा देशों में काम करती है। ज़ारा की सबसे बड़ी खासियत है कि वो एडवर्टाइजमेंट में कोई भी पैसा खर्च नहीं करती, बल्कि उन्होंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वर्ड ऑफ माउथ, क्वालिटी और स्टाइल के लिए अपनी रेपुटेशन पर डिपेंड रहती है। ज़ारा के फाउंडर अमानसी ओर्टेगा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, जिनकी नेटवर्थ लगभग 11,370 करोड़ रुपए। तो देखा दोस्तों, कैसे गरीब घर के लड़के ने दुनिया भर में अपने नाम का परचम लहरा दिया, आज ज़ारा को दुनिया भर में पहचाना जाता है। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, पेज को फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।